कल सवेरे महाशिवरात्रि चालू हो जाएगी, कल पूरा दिन महाशिवरात्रि के लिए, और यहाँ पे पूरे रोड पर सजावट हुई है। करीबन 27 गया है और यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था की गई है। सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो कोई, कितना भव्य सजावट किया गया है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। बेला का प्रवेश द्वार बनाया गया है यहाँ पे, सिर्फ महिला है यहाँ से एंटर कर सकती हैं। भंडारा चल रहा है और ये भंडारा देखिए, यहाँ पे अटूट भंडारा चल रहा है। यहाँ के लोकल लोग जितने सारे हैं सब यहाँ भोजन कर रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, और यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ और है बहुत ही, ये पुरुषों के लिए गेट बनाया गया है, पुरुष यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। महिलाओं के लिए उधर मेन गेट था, उधर से एंट्री थी, और ये पुरुषों के लिए। आप मंदिर के किसी कोने से देख लीजिए, मंदिर की सजावट एक जैसी ही नज़र आएगी, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर। पूरा का पूरा प्रांगण मंदिर का सजाया गया है। के अंदर चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। मंदिर में झुकते हुए, ये मंदिर का गर्भगृह है और सामने ही वो पुराने राजा महाराजाओं का बनाया हुआ हर हर महादेव। पहले प्रणाम करते हैं और बाद में वीडियो। मंदिर के अंदर माँ पार्वती स्थान है, भगवान भोलेनाथ का लिंग है। लोगों में बहुत उत्साह है इसको लेके, सजावट बहुत ही सुंदर है। भगवान भोलेनाथ के साथ यहाँ पर माँ पार्वती आदि देवता यहाँ पर हैं, यहाँ पर, और यही वो लिंग है सदियों से जिसकी पूजा यहाँ होती रही है। इसके चार गेट हैं, इस गेट से हमने एंट्री करी थी, दूसरा गेट ये है, तीसरा ये है। कि किसी समय में यहाँ भी हुआ करता था, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन कल इसे भी खोल दिया जाएगा। चार गेट हैं इसका। आइए नजदीक से, हर हर महादेव बोलते हैं। कल के लिए जितनी फूल वूल है सबकी व्यवस्था की गई है। मंदिर बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना, सिर्फ पेंट पुचारा करके इसे लाइव रखा गया है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो मंदिर है ये पत्थरों का बना हुआ है, और ये डिज़ाइन उस समय की आप देख सकते हैं, नीचे से कितना ऊपर जाके ऐसे गर्भगृह है भगवान भोलेनाथ का। यह लिंग है यहाँ पे, पूरी व्यवस्था यहाँ पे फूल पत्तियों की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा का पूरा आयोजन, कल की महातैयारी चल रही है भगवान भोलेनाथ का। आपको मैं दिखाऊं, पूरा का पूरा प्रांगण इनका भगवान भोलेनाथ। और यहाँ बाबा नंदी का मूर्ति है। आइए पहले प्रणाम कर लेते हैं। इनको सीधे शिवलिंग सामने ही है, पूरा का पूरा ये स्थान देखिए, इतना सुंदर लग रहा है। रात के 10:30-11 बजे भी इतना उजाला है यहाँ पे, इतना प्रकाशमय है पूरा का पूरा मंदिर। महाशिवरात्रि की महातैयारी चल रही है, इसी के इर्द गिर्द बसा हुआ। इतनी फूल माला की व्यवस्था तो मैंने इससे पहले कहीं भी नहीं देखी थी। ये देखिए, और भी यहाँ पे कल के लिए की सारी व्यवस्था की जा रही है। पूरा का पूरा एक डीजे का स्थान बनाया जा रहा है, जहाँ पे म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, कल भक्ति म्यूजिक सब चलेगा बन रहा है। सामने यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है, भंडारा चल रहा है जो मैं दिखा चुका हूँ। और ये जो मेन गेट है, मेन एक्सेस गेट है, ऐसे ही से जाया जा रहा है। देखिए जरा, पूरा का पूरा
गेट पूरी स्ट्रीट सजाई गई है। आपको बाहर डिफरेंट बैलून्स लगाए गए हैं, मालाएं लगाई गई हैं। मंदिर वहाँ भगवान भोलेनाथ का स्टेज बनाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा किनारा है जो मैं आपको दिखाऊँ। एक छोटा सा और मंदिर है जो मैं दिन में उसको दिखा चुका हूँ। ये पुलिस के लिए कंट्रोल रूम, जो खाने की मैंने बताई थी पूरी व्यवस्था की गई, पूरा का पूरा फील्ड बनाया गया इसके लिए। और यहाँ पर रसोई, बहुत बड़ा रसोई घर बनाया गया कि कल की पूरी तैयारी है। और यहाँ पे जो पंडाल है, इसके पंडाल के अंदर पूरे पंडित लोगों की, जो बाहर बाहर से आए हैं अयोध्या से और भी बहुत सारी जगहों से, जितने भी पंडित जी लोग हैं उन्हें जो सोने की व्यवस्था की गई है। सब लोग यहाँ पे, अभी विश्राम का टाइम भी हो रहा है, यहाँ पे पार्किंग का टाइम है। और यहाँ पर अन्नपूर्णा क्षेत्र है, ये पूरा बनाया गया है जहाँ पे भगवान शिव, माता पार्वती भगवान शिव को खीर खिला रही हैं। और ये पूरा का पूरा सिर्फ खाने के लिए बना हुआ है, यहाँ पे खाना बन रहा है, बहुत सारे रसोईया लोग लगे हुए हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। देखिए ज़रा, और उनके सोने की, खाने की, रहने की सबकी उत्तम व्यवस्था यहीं पर। पूरा का पूरा मैं दिखाऊँ पंडाल, बहुत ही भव्य व्यवस्था की गई है यहाँ पर, पूरा देख रहे होंगे कितने सारे यहाँ पे दुआएं हैं। इतना बड़ा रसोई शायद ही कहीं पर वो हुआ। और ये जितनी भी मिठाइयाँ बन चुकी हैं या बनने वाली, सब लाके प्रिपेयर्ड होने के बाद यहाँ रखा जा रहा है पूरा का पूरा। कल ये सब कुछ यहाँ पर वितरण होगा, पूरा यहाँ पर राशन जो लोगों ने दिया हुआ है, और यहाँ पर ये ऐसी पूरी व्यवस्था रहेगी। और यहाँ से पूरा का पूरा गेट बंद है, आपको मैं देखता हूँ। ये जो जितनी व्यवस्था देख रहे हैं तो सिर्फ एक अमित गिरी करके है। Thank you.
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।